नमस्कार दोस्तों। तो YouTube ने 2023 के अंदर अब तक का सबसे बड़ा मोनेटाइजेशन अपडेट है जारी कर दिया है। अब तक ये जो मोनेटाइजेशन का फीचर है वो केवल US के क्रिएटर यूज कर पाते थे, लेकिन अब ये फीचर है वो इंडिया के क्रिएटर भी यूज कर पाएंगे। और इसी के साथ इंडिया है वो सेकंड कंट्री बन गई है इस फीचर को यूज करने वाली। कौन सा है वो फीचर इस वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा ऐसा कंटेंट आपको यहां पर मिलता रहता है। और जिस मोनेटाइजेशन फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्रांड कनेक्ट। और ब्रांड के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हम स्पॉन्सरशिप की बात करने वाले हैं। तो अब तक जो भी स्पॉन्सरशिप आपको मिलती थी वो मिलती थी ईमेल के जरिए, और जितनी भी स्पॉन्सरशिप आपको मिलती थी उसमें से जो 90% स्पॉन्सरशिप थी वो फेक होती है। और चैनल हैक होने के डर से जो क्रिएटर्स है वो ओरिजिनल और फेक स्पॉन्सरशिप के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और वो ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप को भी मिस कर देते हैं। क्रिएटर्स की इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए यूट्यूब ने ब्रांड कनेक्ट का जो फीचर है वो इंडियन क्रिएटर्स को भी रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके संबंध में आपको ब्रांड कनेक्ट के नाम से एक ईमेल आई होगी। जब आप इस ईमेल को ओपन करोगे और बाद में गेट स्टार्टेड पे जब आप टैप करते हो तो आपके सामने इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो खुल के आ जाएगी। आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और इसके बाद में आप अपनी स्पॉन्सरशिप का प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। आप $1,000, $1,500 या $2,000, जितने डॉलर आप पर स्पॉन्सरशिप के लेते हो आप इसमें सेट कर सकते हो, और टाइम टू टाइम आप इस प्राइस को चेंज भी कर सकते हो। और जैसे ही आप ब्रांड कनेक्ट की टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने YT स्टूडियो के एनालिटिक्स को देखने की परमिशन भी ब्रांड को दे देते हो, जिसको देखकर वो आपको स्पॉन्सरशिप देने वाला है। और इसके क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, और YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किया होना चाहिए, और YouTube की पॉलिसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और इसको ज्वाइन करने के बाद में आपको जो भी स्पॉन्सरशिप है वो आपके YT स्टूडियो में दिखने वाली है। चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप उसे डिक्लाइन कर सकते हैं। तो क्रिएटर्स की सेफ्टी के लिए ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।